Welcome to your English class. Today we are going to continue the next chapter of Footprints Without Feet, and the chapter's name is The Midnight Visitor, written by the famous writer Robert Arthur. Robert Arthur was a writer of speculative fiction, okay, and he was honored twice by the Mystery Writers of America. So in this chapter you will come to know that this story is about a witty and clever secret agent named Ocebal. Okay, the midnight visitor, who is there in the chapter, we will come to know later. So ye chapter kiske bare mein hai beta? This chapter is related to a clever secret agent. Okay, detective jo hote hain secret agent, uska name kya hai? Ocebal. He was with a writer. Okay, एक writer के साथ है और writer का name क्या है? Fowler. A writer named Fowler comes to him. He wants to learn about the life of a secret agent. जो Fowler है writer, actually he wants to learn about the life of a secret agent. Okay, तो वो उसकी life के बारे में जानना चाहता है, that how the secret agents look like, how they work, तो वो कैसे work करते हैं, कैसे दिखते हैं. तो Fowler ये सारी detail निकालने के लिए किसके पास आता है? Ocebal के पास. Ocebal कौन है? Secret agent. Ocebal takes Fowler to his hotel room, okay, and what happens there in the room? उस room में आगे चलकर आपको पता लगेगा कि क्या हुआ, okay, और ये midnight visitor कौन है, उसके बारे में आपको भी ये सारा चीज़ें clear हो जाएंगी. तो देख, लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. Ocebal, अ सीक्रेट एजेंट, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. आई एम गोइंग टू रीड द बिफोर यू रीड. ओके, बिफोर यू रीड पढ़ रही हूँ मैं. Ocebal, अ सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. एक वो क्या कर रहा है? ही इज वेटिंग फॉर एन इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट. वो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की वेट कर रहा है. अनदर सीक्रेट एजेंट, एक और सीक्रेट एजेंट है. दो सीक्रेट एजेंट की बात हो रही है इस चैप्टर में. ओके, सेकंड जो सीक्रेट एजेंट है उसका नेम है मैक्स. ही थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्टल. और वो उसको कैसे थ्रेटन करता है? उसको धमकाता है विद अ पिस्टल, डिमांडिंग द रिपोर्ट. और वो उससे क्या लेने के लिए आया है? रिपोर्ट लेने के लिए आया. और वो रिपोर्ट लेने के लिए आया है जो Ocebal एक्सपेक्ट कर रहा था. डज Ocebal आउटविट हिम? क्या Ocebal अब उसको चीटिंग, तब उसको क्या करता है? आउटविट करता है. आउटविट मींस उसकी जो ये प्रॉब्लम है, मींस क्या Ocebal इस प्रॉब्लम से बाहर निकलता है, या उसको कैसे वो क्या करता है, बाहर निकालता है इस प्रॉब्लम से? यू विल कम टू नो हेयर इन दिस चैप्टर. Ocebal डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट Fowler हैड एवर रेड. आपको मैंने पहले बताया Fowler कौन है इस चैप्टर में? राइटर. ओके, और Ocebal कौन है? एक सीक्रेट एजेंट. Ocebal डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट. Ocebal देखने में, अगर हम बात करें फिजिकल अपीयरेंस की, उसकी बात करें, ही डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट. तो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो किसी भी सीक्रेट एजेंट का जैसा नहीं है. मीन्स डिटेक्टिव जैसा नहीं लगता वो. Fowler हैड एवर रेड. Fowler ने जैसा पढ़ा हुआ था कि सीक्रेट एजेंट कैसे होते हैं, बहुत चालाक लगते हैं, विटी होते हैं, क्लेवर होते हैं. तो जैसे ही उसने Ocebal को देखा फर्स्ट टाइम, तो Ocebal को देखकर वैसी कोई भी क्वालिटी उसके अंदर नहीं लग रही थी. फॉलोइंग हिम फ्रॉम द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर Ocebal हैड अ रूम, Fowler फेल्ट लेट डाउन. सबसे पहले मीनिंग्स देखते हैं. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर. मस्टी मीन्स बैड स्मेल. ओके, सो सबसे पहले फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी. ग्लूमी मीन्स जहाँ पर अंधेरा ज़्यादा होता है. तो उस ग्लूमी होटल में, फ्रेंच होटल था, उस फ्रेंच होटल में मस्टी मीन्स ऑफ हैविंग द बैड स्मेल. वो बैड स्मेल कॉरिडोर में वो कहाँ जा रहे हैं? देवर मूविंग टू Ocebal's रूम. Fowler फेल्ट लेट डाउन. इट वॉज अ स्मॉल रूम. वो Fowler, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कुछ और थी उसकी, कि सीक्रेट एजेंट्स का रूम देखेगा, हाउ दे लिव एंड हाउ दे वर्क, हाउ देयर फिजिकल अपीयरेंस लुक्स लाइक. ओके, तो वो सारा डिसअपॉइंट हो रहा है Fowler. इट वॉज अ स्मॉल रूम, और एक छोटा सा रूम है जिसमें Ocebal रहता है. ऑन द सिक्स एंड टॉप फ्लोर, सबसे सिक्स फ्लोर पर, टॉप फ्लोर पर था. एंड स्केयर्सली अ सेटिंग फॉर रोमांटिक एडवेंचर. और उसे नहीं लगता था कि वहाँ शायद ही ऐसा कुछ होगा कि रोमांटिक और एडवेंचर उसको वहाँ पर फील होगा.
ओके, मीन्स फाउलर वॉज एक्सपेक्टिंग द अनदर थिंग, वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ही डिडंट गेट द सेम. एंड ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट. सबसे पहली चीज़ तो ये कि ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट, एक डिटेक्टिव कैसा सा होता होना चाहिए, मीन्स ही शुड बी वेरी स्मार्ट, ही शुड बी वेरी क्लेवर, विटी, ओके, हैंडसम. बट ऑसिबल फॉर वन थिंग ही वॉज वेरी फैट. सबसे पहली बात तो वो बहुत फैट था. एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट, और सेकेंड बात क्या थी उसका, एसेंट, टोन ऑफ वॉइस. उसका टोन ऑफ वॉइस भी कैसा था, बिल्कुल डिफरेंट था. दो ही स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, ओके, वो मीन्स जस्ट एडिक्वेटली, मीन्स नॉर्मल काम चला वो बातें कर लेता था, और कौन सी लैंग्वेज यूज करके, फ्रेंच एंड जर्मन. ही हैड नो ऑल टूगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स एगो. और जो अमेरिकन एसेंट जो उसने कहाँ पर सीखा था, पेरिस फ्रॉम बोस्टन, मीन ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन, वो आया था, शिफ्ट हुआ था 20 साल पहले, तो वो अमेरिकन एसेंट थोड़ा सा वहीं से सीख के आया था, तो वो आज भी वो थोड़ा सा अमेरिकन एसेंट है उसके बोलने में, मीन्स जो टोन ऑफ वॉइस है उसमें कुछ अमेरिकन वर्ड्स भी आज वो ऐड करता है. यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेड वीजली. वीजली मीन्स उसने जोड़ा थोड़ा सा लंबी सांस लेते हुए बोला, और क्या कह रहा है उसको, यू आर डिसअपॉइंटेड, कि तुम मुझे कैसे लग रहे हो. ऑसिबल ने कहा उसको, उसके शोल्डर पर बम्प करते हुए, और क्या कह रहा है, यू आर डिसअपॉइंटेड. यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई, डीलिंग इन एस्पिनज एंड डेंजर. कहता है तुम्हें तो शायद, ऑसिबल कह रहा है उसको, फाउलर को, कि तुम्हें ये बताया गया था कि मैं कौन हूँ, एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ, स्पाई मीन्स एक डिटेक्टिव हूँ, एंड डीलिंग इन एस्पोनेज. एस्पोनेज मीन्स क्या होता है, प्रैक्टिसिंग ऑफ स्पाइज, मतलब जो स्पाई का काम होता है उस तरह से डील करना या डिटेक्टिव की तरह वर्क करना, तो उसको बोलते हैं कि उसमें मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक्सपर्ट हूँ. एंड डेंजर, मैं किस में डील कर रहा हूँ, मीन्स जासूसी के काम करता हूँ और डेंजर को डील करता हूँ. यू विश टू मीट मी, कहते तुम मुझसे मिलना चाहते थे, ऑसिबल उसको कहता है फाउलर को, क्यों, बिकॉज यू आर ए राइटर, यंग एंड रोमांटिक. क्योंकि राइटर कैसा था फिजिकल अपीयरेंस में, अगर हम देखें तो वो कैसा था, यंग एंड रोमांटिक. यू एस्पिनिज्ड एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, और तुमने क्या देखा है, कह रहा है कि यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, द नेक्स्ट द क्रैक ऑफ पिस्टल्स एंड ड्रग्स इन द वाइन. तो ये सारी चीज़ें उसने ऑब्जर्व की थी, देखा हुआ था कि जो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, जो सीक्रेट एजेंट्स हैं वो मिस्टीरियस फिगर्स के होते हैं, थोड़ा सा मींस पिस्टल और ये ड्रग्स इन द वाइन और ये सारी चीज़ें, मींस इस तरह का उसको लगता था. ओके, क्रैक मींस फायरिंग ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स और ये सभी चीज़ें, मतलब उसने सोचा कुछ और था. ओके, एनविजन मींस इमेजिन करना, उसने क्या क्या इमेजिन किया हुआ था, दैट ऑसिबल शुड बी लाइक ऑफ मिस्टीरियस फिगर, ऑसिबल शुड हैव अ क्रैक ऑफ पिस्टल इन हिज हैंड, ओके, ही वुड टेक ड्रग्स इन द वाइन, ये सारी चीज़ें उसने इमेजिन किया हुआ था. एंड नाउ इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन फ्रेंच म्यूजिक, फ्रेंच विद अ स्लूपी फैट मैन हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज गेट्स ओनली अ प्रोसीक टेलीफोन कॉल मैन चक टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man. कहते तुम तो imagine कैसा कर रहे थे कि एक mysterious figure मुझे मिलेगा, इस तरह से होगा, but in spite of that, तुम्हें कैसा मिला है, इस French music hall में एक dull evening spent करने को मिली है with a sloppy fat man, और किसके साथ, एक plump मोटे से fat man के साथ. Who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties gets only a प्रोएसिक टेलीफोन कॉल. प्रोएसिक मीन्स एक, मीन्स बिल्कुल क्या होता है, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता. ओके, तो वो कह रहा है कि कैसा, मतलब यहाँ पर देखा उसने कि एक मोटे से आदमी को मिले तुम, एंड मेकिंग एन अपॉइंटमेंट हिज रूम, और टेलीफोन कॉल के जरिए वो क्या कर रहा है, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम. यू हैव बीन बोर्ड. अब ये सारी बातें कौन कर रहा है उसको, ऑसिबल फाउलर को कहता है, यू हैव बीन बोर्ड, कि तुम तो शायद बोर हो रहे होगे. द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ, चकल मीन्स ग्रिंड, ओके, खुद ही क्या कर लेना, थोड़ा थोड़ा हंसते रहना. और क्या कह रहा है, द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में ही हंसने लगा. एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम, और जैसे ही उसने अपने रूम का दरवाज़ा खोला, एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर. फ्रस्ट्रेटेड मतलब जो परेशान हो चुका था, डिसअपॉइंट हो चुका था, क्योंकि उसने इमेजिन कुछ और किया था. ओके, और यहाँ आने के बाद फाउलर को क्या मिल रहा है, कोई भी मीन्स
एडवेंचर नहीं मिल रहा किसी भी चीज़ तरह का, वो यहाँ पर आकर बोर हो रहा था, तो उसने क्या कहा, उसने अपने गेस्ट को अंदर एंटर करने के लिए कहा, यू आर डिसइल्यूजन्ड मीन्स यू आर सेट फ्री फ्रॉम फॉल्स रिलीव, अब तुम थोड़े से अलग हो जाओ, डिसइल्यूजन्ड मीन्स उसने कह रहा है कि तुम कैसा फील कर रहे थे पहले, कैसा फील कर रहा था वो, बोर फील कर रहा था, यू आर डिसइल्यूजन्ड, पॉसिबल टोल्ड हिम बट टेक चीयर, कह रहा है कि कोई बात नहीं बट टेक चीयर एंड माई योर यंग फ्रेंड, ओके प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर ऑफ विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स, कह रहा है प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अब तुम क्या देखोगे, एक ऐसा पेपर जिसके लिए कभी क्या हो रहा है, काफ़ी लोग हैं और वुमेन हैं उन्होंने रिस्क लिया है एंड दे कम टू मी, सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और उस पेपर की वजह से क्या होने वाला है, कोर्स ऑफ हिस्ट्री मीन्स कुछ अफेक्ट होने वाला है, इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, कह रहा है कि इस थॉट में कोई ड्रामा है, इज देयर नॉट, एज ही स्पोक, जैसे ही उसने बोला ये लाइन कि कुछ लोग हैं जो इस, मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था दैट ओसिबल इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, उसे एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली थी उस दिन, तो वही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में वो फाउलर के साथ डिस्कस करता है, एज ही स्पोक ओसिबल क्लोज्ड द डोर बिहाइंड हिम देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और ओसिबल जैसे ही उसने ये चीज़ बोली तो ओसिबल क्या कह रहा है, ओसिबल क्लोज्ड द डोर बिहाइंड हिम एंड देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट वहाँ ऑन हुई, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, अब यहाँ पर ऑथेंटिक मीन्स एक रियल जेन्युइन, ओके ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, थ्रिल मीन्स एक सेंसेशन, वहाँ पर उसने देखा, क्योंकि अब से पहले हमने देखा फाउलर कैसा फील कर रहा था, ही वॉज फीलिंग बोर्ड देयर, अब उसकी लाइफ में मीन्स उसकी उस दिन के लिए क्या आ गया था, एक रियल थ्रिल उसकी लाइफ में आया था, और वो क्या था देखो, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, हाफ वे अभी मीन्स एंटर ही किया था उसने रूम में, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक पर्सन वहाँ ऑलरेडी खड़ा था, देखो फ्रेंच होटल में रूम किसका था बेटा, पॉसिबल का, ओके रूम के डोर से एंटर किसने किया, पॉसिबल विद द राइटर फाउलर, ओके एंड हु वॉज ऑलरेडी देयर इन द रूम, कौन था पहले से ही उस रूम में, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक पर्सन पहले से ही, एक आदमी वहाँ पहले से ही खड़ा था, ही वॉज हैविंग अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, पॉसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ब्लिंक करना मीन्स क्लोज एंड ओपन द आईज इंस्टेंटली, उसी टाइम उसने काफ़ी टाइम अपनी आईज को ब्लिंक किया, मैक्स ही विज्ड, और उसने ब्रीदिंग सांस लेते हुए नॉइजली बोला, और क्या बोला मैक्स, क्योंकि मैंने आपको बिगनिंग बताया था टू सीक्रेट एजेंट्स हैं, दोनों ही क्या चाहते हैं, वो रिपोर्ट चाहते हैं, ओके तो मैक्स हु वॉज ऑलरेडी देयर, मैक्स कौन था, एक अनदर सीक्रेट एजेंट, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, और कह रहा है कि तुमने तो मुझे स्टार्ट करने के लिए मीन्स छोड़ दिया, यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, कि मैंने तो सोचा था कि तुम कहाँ चले गए हो, ओसिबल कह रहा है उसको कि तुम तो कहाँ हो, बर्लिन में, वट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, कह रहा है कि तुम मेरे रूम में यहाँ पर क्या कर रहे हो, ओके सो मीन्स इन दिस चैप्टर यू विल कम टू नो दैट ओसिबल एंड मैक्स बोथ आर सीक्रेट एजेंट्स, फाउलर हु वॉज अ राइटर, he was feeling bored earlier but when he entered Ocebal's room he felt his first authentic thrill of the day, first he found Max in the room, okay and what happens next, uske baad kya hota hai, you will come to know here in this story, the midnight visitor, thank you.